So, हम ये करते हैं सॉरी हम अपनी फाइल जो प्रोसीजर्स डॉट पी वाई हमने बनाई थी हम उसे ओपन करते हैं राइट right? और उसके अंदर इस प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं डेफ हाउ मैनी डेज एंड इट टेक्स एज इनपुट नंबर विच विल बी द मंथ राइट सो इट विल बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन और टाइट एंड इट रिटर्न the number of days in that month. Now if you see we have list ko basically yahan pe define kar hai, which will make it more sensible and readable. So we have this variable days and month, right? So hum is the days in month <laughs> and we will return अब बेसिकली डेज एंड मंथ के अंदर बारह वैल्यूज हैं, राइट थर्टी वन ट्वेंटी एट और हर वैल्यू बेसिकली उस पर्टिकुलर इंडेक्स्ड मंथ के नंबर ऑफ़ डेज़ को रिप्रेजेंट करती है सो uh, so अब मंथ के अंदर हम वो जो महीना जिस महीने के नंबर ऑफ़ डेज़ हम जानना चाहते हैं वो पास करेंगे मिसाल के तौर पे इसमें वन हो सकता है टू हो सकता है राइट right? सो so जब हम इसमें वन पास करेंगे तो यहाँ वन होगा मंथ में अगर टू पास करेंगे तो टू होगा सो so जब अब ये इंडेक्स इस्तेमाल करेंगे तो उसी इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू रिटर्न हो जाएगी लेकिन एक चीज़ हमें जो थोड़ी सी करनी है वो ये है कि हम जानते हैं कि जो इंडेक्स होते हैं वो एक से नहीं बल्कि ज़ीरो से शुरू होते हैं आम गिनती में हम महीने जो हैं वो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इस तरीके से काउंट करते हैं लेकिन जो इंडेक्सेस होते हैं वो चूंकि जीरो से शुरू होते हैं तो हम मंथ माइनस वन लिखेंगे राइट right? सो so, अगर हम इसको अब कंपाइल करके देखें हम इसको राइट right? और हम इसको अगर हाउ मेनी डेज प्रोसीजर को कॉल करें और इस और इसको फॉर एग्जांपल अगर हम वन पास करें इट रिटर्न्स अस थर्टी वन अगर हम इसको टू पास करें तो ये ट्वेंटी एट रिटर्न कर रहा है अगर हम इसको थ्री पास करें तो ये अगेन राइट फोर पास करें तो थर्टी रिटर्न कर रहा है और अगर हम ट्वेल्व पास करें तो ये हमें थर्टी वन रिटर्न कर रहा है बिकॉज दिसंबर हैज़ डिसम्बर हैज़ थर्टी वन डेज और अगर हम इसे थर्टीन पास करें तो वट डू यू एक्सपेक्ट वी रिसीव एन एरर दैट लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज चूँकि हम उस लिस्ट से ये वैल्यूज उठा रहे हैं विच इज़ दिस लिस्ट सो इसमें इंडेक्स जीरो है वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन राइट बट एंड एलेवन के बाद इसमें ट्वेल्व इंडेक्स नहीं है सो so, जब हम इसको ट्वेल्व पास करते हैं तो ट्वेल्व माइनस वन ये इलेवंथ वैल्यू को गेट कर लेता है लेकिन जब हम इसे थर्टीन पास करते हैं जैसे कि इस केस में हमने इसे थर्टीन पास किया तो थर्टीन माइनस डिस्ट इन दिसर सो हम महीने जो बारह महीने हैं उनमें से हर महीने के नंबर ऑफ डेज बहुत आसानी से इस प्रोसीजर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं लेकिन जाहिर है कि अगर हम उसके बियॉन्ड जाएंगे तो हमें एरर मिलेगा कि यह इंडेक्स इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता सो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर टू राइट दैट वी हैव जस्ट रिटर्न आई होप यू गॉर एट राइट ओके अब लिस्ट्स के अंदर हमने देखा कि हमने पहले तो सिंपल कैरेक्टर स्टोर किए हुए थे इस केस में हमारी जो लिस्ट थी उसमें हम नंबर्स स्टोर कर रहे थे राइट right? लेकिन लिस्ट महदूद नहीं होती नंबर्स तक हम इसमें फ्रैक्शन भी स्टोर कर सकते हैं हम इसमें स्ट्रिंग्स भी पूरी स्टोर कर सकते हैं एक एलिमेंट के तौर पे और इवन हम इस्ट के अंदर मजीद लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं और इवन हम उनका एक मिक्सचर भी स्टोर कर सकते हैं कि एक नंबर एक एलिमेंट एक नंबर हो दूसरा एलिमेंट कोई स्ट्रिंग हो तीसरा एलिमेंट कोई लिस्ट हो एंड सो ऑन एनी मिक्स ऑफ दैट सो ये मिसाल हम यहां पे देखते हैं अब नेस्टेड लिस्ट की बात करते हैं सो फार ऑल द एलिमेंट्स इन लिस्ट है सेम टाइप यानी हमने पहले जो लिस्ट बनाई थी उसमें सिर्फ कैरेक्टर्स थे या हम कहेंगे कि स्ट्रिंग्स थी Uh, और उसके बाद हमने जो लिस्ट बनाई वो उसमें सिर्फ नंबर्स थे हाईवे देर आर नो रिस्ट्रिक्शन टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट कैन बी एनी टाइप यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो मिक्स एंड मैच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट आप मुख्तलि टाइप्स के एलिमेंट्स जो हैं लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं और इवन उनका एक मिक्सचर भी स्टोर कर सकते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई उसका नाम हमने रख लिया मिक्सअप राइट और उसके अंदर अगर आप देखें तो आपने बहुत मुख्तु किस्म के एलिमेंट स्टोर किए हुए पहला एलिमेंट एक स्ट्रिंग है विच इज एप्पल फिर कॉमा कॉमा के जरिए हम एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं राइट right? दूसरा एलिमेंट एक नंबर है फिर कॉमा और तीसरा एलिमेंट फिर एक स्ट्रिंग है फिर चौथा एलिमेंट एक नंबर है ट्वेंटी सेवन फिर पाँचवा एलिमेंट अगर आप देखें तो वो बहुत बड़ा एलिमेंट है जो यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है विच इज इट्स अ लिस्ट राइट सो so, आप एक लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट जो पाइथन की लेजडमेट टाइप है उसे स्टोर कर सकते हैं लाइक like आपने पहला एलिमेंट स्ट्रिंग रखा दूसरा एलिमेंट नंबर तीसरा एलिमेंट फिर स्ट्रिंग फिर चौथा एलिमेंट नंबर फिर पांचवा एलिमेंट एक पूरी लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर यानी ये जो पांचवा एलिमेंट है इसके अंदर फिर पहला एलिमेंट एक नंबर है दूसरा एलिमेंट फिर एक नंबर है और तीसरा एलिमेंट इसका फिर एक लिस्ट है राइट right? और फिर उस एलिमेंट के अंदर मजीद सब एलिमेंट्स हैं यानी पहला एलिमेंट एक स्ट्रिंग है और दूसरा एलिमेंट भी एक स्ट्रिंग है राइट सो इफ यू प्रिंट सी द सेम अप राइट सो अ लिस्ट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स और अ मोर यूज अब ये एक रैंडम लिस्ट थी जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स बना लिए थे और अ मोर यूजफुल वन मिसाल के तौर पर हम इस लिस्ट को अगर देखें डोंट एग्जांपल्स सो इस लिस्ट को अगर आप देखें तो इस लिस्ट में हमने इस लिस्ट का नाम रखा जुनून मेंबर्स अली अजमत ब्राइन एंड सलमान राइट सो हमने ये एक लिस्ट बनाई है जुनून के नाम से जिसके अंदर पहला एलिमेंट एक लिस्ट है then, comma, दूसरा एलिमेंट भी एक लिस्ट है then, comma, और तीसरा एलिमेंट भी एक लिस्ट है और जो इसमें पहला एलिमेंट है उस लिस्ट के अंदर मज़ीद दो एलिमेंट्स हैं पहला एलिमेंट एक स्ट्रिंग है और कॉमा के जरिए सेपरेट करके दूसरा एलिमेंट हमने उसी करेक्टर का ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर अली अजमत की जो पैदाइश है वह नाइनटीन की है ब्राइन वस बॉन इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री एंड सलमान वस बॉर्न इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री राइट So, this is how we have defined this list, which list has further three lists, sublists, and each sublist has further two elements, where the first element is a string, the name of the character, the member, band member, and the second element is a number, which is the year of birth of that particular band member, right? So, this list provides information about the names of the Junoon band members as well as when they were born. try putting this into your interpreter when you are typing your code into the interpreter and you want to separate data onto two lines do so after a comma to make it clear that the interpreter to the interpreter that this is still one list right yani hum basically yahan ye bata rahe hain पहला एलिमेंट प्रिंट करना चाहें तो आपके नज़दीक जब हम जुनून अब जीरो प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा Yes, it will print the first sublist. This is the first first element, this is the second element, and this is the third element, and then each element has sub elements in it, right? You see that if you 1 to the second sublist, or 2 to third sublist, so that's pretty gettable, right? You can also use indexing again on the list that results to obtain an inner element. Misal ke taur pe, agar aap

Salman and the second particular part of this uh, string is a number which is a year, right? So agarab is ko zero karenge to apke kyal me apka access kar? Rahe honge? Yes, I think you would have guessed it right. The first the zeroth element of this particular sublist, which is a string containing the name. And if you want to access the year, you can do that by डूंग दिस so, आप इसको सेकेंड लेवल पर ले जाके यानी आप सेकेंड एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं विच इज और फिर उसके अंदर मजीद एलिमेंट्स हैं उनको भी आप इंडेक्स कर सकते हैं जीरो के जरिए पहले को और वन के जरिए दूसरे को आई होप यू गॉट दिस आइडिया राइट सो जस्ट डू अट ऑफ प्रैक्टिस मिसाल के तौर पर हम यू कहते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है कंट्रीज के नाम से और उसके अंदर हमने मुख्तल्फ़ कंट्रीज हर कंट्री के बारे में तीन तीन चीज़ें स्टोर की हुई हैं राइट द फर्स्ट थिंग वी हैव स्टोर्ड इज़ अबाउट अ कंट्री इज़ द नेम द कैपिटल एंड देन द पॉपुलेशन इन मिलियंस सो हम पहला करेक्ट कंट्री चाइना है जिसका कैपिटल बीजिंग है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो थर्टीन हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री मिलियंस है उसके बाद कॉमा देन द नेक्स्ट Information is about Pakistan the country the capital is Islamabad then the population is almost 210 millions Then the third country that we have stored is turkey. The capital is ankara And the population is almost 82 millions eight peace And the third one is Say finland with the capital helsinki and the population is almost six millions a little less than six millions, right? सो so, हमने इस ये सारी चीज़ें आप बगैर लाइन ब्रेक के एक ही लाइन में स्टोर कर सकते हैं ओके एनी वे जस्ट टू मेक इट मोर रीडेबल वी हैव टू डन इट ऑन मल्टीपल लाइन्स सो ईच लिस्ट कंटेन्स द नेम ऑफ द कंट्री इट्स कैपिटल एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन एंड मिलियंस राइट कोड टू प्रिंट आउट द कैपिटल ऑफ टर्की राइट अगर हम कर, अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं टर्की का कैपिटल तो कंट्रीज तो जीरो इंडेक्स पे क्या है चाइना और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दिस सबलिस्ट एग्जिस्ट एट इंडेक्स जीरो दिस सबलिस्ट एग्जिस्ट एट इंडेक्स वन एंड दिस सबलिस्ट एग्जिस्ट एट इंडेक्स टू सो टू एक्सेस टर्की वी विल बी राइटिंग टू हियर एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट द कैपिटल सो इस पर्टिकुलर लिस्ट में तीन एलिमेंट हैं जीरो पे नाम है फर्स्ट पे कैपिटल का नाम है और सेकेंड पे Population here. So, if we want to access the capital of Turkey, we will have to write 2 and then 1. So, this will give us the capital of Turkey, which is Ankara. I hope you were able to write it correctly. Right? <coughs> the next is what multiple of Finland's population is the population of China? Okay. जो चाइना की पॉपुलेशन है वो फिनलैंड की पॉपुलेशन का क्या मल्टीपल बनती है सो so, इसका सादा मतलब ये टू सॉल्व दिस यू नीड टू डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ चाइना बाय द पॉपुलेशन ऑफ फिनलैंड आप चाइना की पॉपुलेशन मिलियंस को फिनलैंड की पॉपुलेशन इन मिलियंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीपल मिल जाएगा कि चाइना की पॉपुलेशन फिनलैंड की पॉपुलेशन का इतना मल्टीपल बनती है ज़ाहिर है चाइना की पॉपुलेशन फिनलैंड की पॉपुलेशन के बारे में के मुकाबले में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है सो so, हमें क्या लिखना होगा प्रिंट कंट्रीज सो फिनलैंड किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है थर्ड इंडेक्स पे और इसकी पॉपुलेशन थर्ड इंडेक्स के अंदर फर्दर अगर हम जाए तो जीरो वन टू यानी फिनलैंड नेम इज एट जीरो द पॉपुलेशन इज एट टू सो थ्री टू लिखेंगे तो हमें फिनलैंड की पॉपुलेशन मिलेगी जबकि हमें करना क्या है कि चाइना की पॉपुलेशन को विच इज एट जीरो एंड टू इसको डिवाइड करना है फिनलैंड की पॉपुलेशन से ताकि हमें ये मल्टीपल मिल सके सो वी गेट अ मल्टीपल लाइक 232। दैट मींस के जो चाइना की पॉपुलेशन है वो फिनलैंड की पॉपुलेशन का 232.1 ऑलमोस्ट एंड टाइम्स है, पॉइंट वन ऑलमोस्ट से राइट सो दॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मच ऑफ फिनलैंड ऑलमोस्ट दो गुना बड़ी आबादी है चाइना की कंपेयर टू दैर ऑफ फिनलैंड सो आई होप यू गोट आइडिया राइट सो जीरो एथ पे हमें चाइना मिलता है और उसके अंदर फिर जीरो वन टू सेकेंड इंडेक्स पे हमें उसकी पॉपुलेशन मिलती है और फिर थर्ड इंडेक्स पे हमें फिनलैंड मिलता है ये पूरी सब लिस्ट और फिर उस लिस्ट के थर्ड इंडेक्स पे सेकेंड इंडेक्स पे विच इज एक्चुअली द थर्ड एलिमेंट उसकी पॉपुलेशन मिलती है और जब हम इनको मल डिवाइड करते हैं तो हमें मल्टीपल मिलता है कि चाइना की पॉपुलेशन फिनलैंड की पॉपुलेशन का इतना मल्टीपल है यानी चाइना की पॉपुलेशन फिनलैंड की पॉपुलेशन से 232 थर्टी टू टाइम्स ज़्यादा है ओके आई होप यू गोट दिस वन राइट एज वेल